दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों का होस्ट घरेलू नुस्खे विद आई कैन। तो आइए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने सांडा का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने सांडा का तेल लेना है, और आइए चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने सांडा का तेल इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक कुंडली पे सांडा का तेल लेना है, और फर्स्ट करिए आप लोगों का पिन है यानी लाना, आप लोगों ने अपने पिन के को किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। टोपी को नीचे, टोपी को छोड़ देना है। मैंने आप लोगों को मिसाल के तौर पे ये मिसाल दे रहा हूँ, और यह जो नीचे पिन है उसको आप लोगों ने जो ये जो शरीयान है, जो नस है, उसको आप लोगों ने मालिश नहीं करना है। आप लोगों ने बस सिर्फ ऊपर और इस साइड वाला और इस साइड वाले हिस्से को आप लोगों ने मालिश करना है। आराम आराम से आप लोग मालिश करते रहे, सिर्फ 15-20 मिनट तक आप लोग इसको मालिश करते रहे, ताकि आप लोगों का ये तेल जज़ब हो जाए। तो इससे आप लोगों का पिन बहुत ही ताकतवर हो जाएगा, सख्त भी होता है और ताकतवर भी होता है। तो ये ताज आप लोगों के तरीके के किस तरह आप लोगों ने सांडा का तेल इस्तेमाल करना है। तो ये ताज लोगों का, आप लोगों का तरीका कि किस तरह सिर्फ तेल लेना है, इधर इस साइड पे इस्तेमाल करना है, ऊपर की साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे आराम आराम से मालिश करते रहे 10-15 मिनट तक। टोपी को छोड़ना है, आप लोगों ने टोपी को मालिश नहीं करना है, पिन को, और नीचे के ये नस को आप लोगों ने, शरीयान इसको आप लोगों ने मालिश नहीं करना है। तो आज था ये आप लोगों का नुस्खा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे नुस्खे लेके आता रहूँगा। ओके, बाय बाय।